अखबारों में छपी खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश की 58,179 ग्राम पंचायत में सहायक ग्राम पंचायत पद पर 2 से 17 अगस्त तक भर्ती करने के आदेश योगी सरकार ने दिए हैं। संविदा पर होने वाली भर्ती में सहायक अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए योगी सरकार ने 6,000 रुपये प्रति महीने मानदेय देने की योजना बनाई है। हम आपको बताते चलें कि संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया गया है। जहां संविदा कर्मी अपने मानदेय में बढ़ोतरी के सुनहरे सपने सजोए बैठा है, वहीं योगी सरकार ने 6,000 रुपये मानदेय पर सहायक ग्राम पंचायत पद पर भर्ती की घोषणा कर पढ़े लिखे युवाओं का आर्थिक स्तर मजदूरों से भी नीचे करने का काम किया है। ग्राम पंचायत में रहने वाले युवाओं से सहायक ग्राम पंचायत पद की भर्ती और मानदेय के बारे में राय ली गई तो ग्रामीण युवाओं का कहना है कि 6,000 रुपये में परिवार कैसे पल पाएगा, कम से कम 15,000 रुपये मानदेय रखना चाहिए। साथ ही युवाओं का यह भी कहना है कि योगी सरकार बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। 2-4 साल संविदा पर काम करके सहायक ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान सचिव और ठेकेदार का बधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। मेरा नाम महेश राजपूत है। महेश राजपूत किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं? कलवाड़ी ग्राम पंचायत विकासखंड बिशपुरी से। बिशपुरी से? जैसे आप अगर नौकरी आपकी लगे तो कितने रुपए महीने की तनख्वाह की नौकरी चाहोगे? मैं समझता हूँ कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो महंगाई चल रही है, दाल तेल आटे की जो भाव है उन्हें देखते हुए तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये होनी चाहिए एक परिवार चलाने के लिए। जैसे लगभग हम मजदूरी की बात करें जो लेबर आती है वो 450 रुपये की पड़ती है और करीब उसे 12 से 15 हज़ार रुपये महीने पड़ता है, लेकिन योगी जी ने एक नौकरी निकाली है ग्राम पंचायत सहायक जिसमें 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, कितना उचित है ये उसके लिए? मेरे अनुसार तो जो उचित नहीं है, उचित महंगाई के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं। क्या परिवार पल पाएगा 6,000 में? नहीं, ऐसे नहीं पल पाएगा, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होता है, बच्चे भी होंगे, बच्चों के दो अगर परिवार में 2 बच्चे हैं उनका ही खर्चा साल का कितना आ जाता है, मान लो कि साल का किताब कॉपी मिला के वो फीस मिला के कम से कम 10,000 रुपये का बैठता है एक बच्चा। तो 20,000 रुपये तो बच्चों के लिए। कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए अगर हम लगभग कितनी तनख्वाह? 12 से 15 के बीच में तो होनी चाहिए। मेरा नाम दीपचंद है। दीपचंद किस ग्राम पंचायत के निवासी हो? हम ग्राम पंचायत कलवारी विकासखंड बिशपुरी आगरा के निवासी हैं। अगर आपको कोई नौकरी दे तो कितने रुपये महीने की नौकरी चाहोगे? हम नौकरी हम इस तरीके से चाहेंगे जिस हिसाब से हमारा घर बार का खर्चा भी निकल सके, ऐसी नौकरियां तो ये छोटी मोटी तो चलती चलती हैं। लगभग कितने रुपए महीने में खर्चा चल जाए? कम से कम 8,000 महीने की नौकरी होनी चाहिए। 10,000 रुपए की नौकरी होनी चाहिए महीने के हिसाब से होनी चाहिए। अब भाई जिनकी शादी नहीं उनके परिवार है घर बार है बच्चे हैं तो उसका 5-6 हज़ार में तक हो जा रहा होगा। तो जैसे अभी मनीष कुमार किस ग्राम पंचायत के निवासी हो? जी मगटई। मगटई किस ब्लॉक में आता है? मगटई जी बिशपुरी ब्लॉक में। बिशपुरी ब्लॉक में आता है। अच्छा पढ़े लिखे हो तुम? जी। क्या कर रहे हो? जी बी वॉक कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा अगर नौकरी चाहोगे तो कितने हज़ार रुपये तनख्वाह की नौकरी चाहोगे? इस टाइम से देखी जाए तो कम से कम 30-35 से तो कम तो कोई होनी नहीं चाहिए। अच्छा घर चल जाएगा उससे? हाँ घर तो चल ही जाएगा 30-35 में। अच्छा अभी फिलहाल जो ग्राम पंचायत कार्यालयों पर सहायक की भर्ती निकली है जी, तो उसके लिए क्या विचार है? जैसे 6,000 रुपये तनख्वाह है उसकी तो कितना उचित है ये तनख्वाह? ये उचित अगर जिस किसी को जैसे कोई जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए तो उचित है 6,000 रुपये। अगर कोई कुछ नहीं करता पार्ट टाइम जॉब कर लेगा उसके लिए उचित है 6,000 में। 6,000 में परिवार पल जाएगा? जी नहीं 6,000 में कुछ नहीं हो रहा आज के जमाने में। तो क्या कहना चाहोगे योगी जी से कि कितनी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए थी इस पद के लिए? इस पद के लिए 18-20 हज़ार रुपये से कोई कम नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो। क्या लग रहा है कि इस तरह से अगर बांध के चले इतने लोगों को नौकरी, लगभग 1 लाख से ऊपर के युवाओं को नौकरी मिलेगी, चाहे वो मजबूर हैं चाहे वो उन्हें जॉब मिलना नहीं, तो उनका शोषण नहीं है ये? जी एक तरीके से देखा जाए तो वह शोषण तो है। किस तरह का शोषण है ये? ये उनका ये है कि उन्हें जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम, उस इस तरीके से कुछ होगा नहीं, 6,000 रुपये से कुछ होता नहीं आजकल, तो बस ये शोषण ही हो रहा है और क्या। उनकी मतलब फर्क भी कर रहे हैं, वो ग्राम पंचायत के निवासी हो जाएंगे वो किसी के उसमें सहायक बन जाएंगे और तनख्वाह उन्हें उतनी मिलेगी नहीं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए।